मौसम भाई सुहावना है ही, बादल हो रखे हैं आज, धूप नहीं निकली ना, इसमें से बादाम होता ना वैसी गिरी निकलती है और इसका बनता है। अच्छा मतलब मक्की की आटी में अरबी का पत्ता भी डलेगा और फिर रोटी बनेगी। जो है भाई योगा जरूर करें घर में, मतलब थोड़ी देर ध्यान जिसे कहते हैं लंबी सांसें लेना है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डेली टू वैली होम। भाई सुबह के 6:15 हो रहे हैं अभी और भाई इतना सुहावना मौसम हो रखा है ना, ठंडा ठंडा, मतलब ना मन तो कर रहा छोटी सी जैकेट पहन, हल्की सी जैकेट पहन लूं, पर नहीं मतलब अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। टमाटर के पौधे में छोटे छोटे जो है टमाटर आ गए हैं भाई, यहाँ लगे हैं और नीचे लगे हैं कुछ, मतलब कई जगह लगे हैं और सब पे जो है फल फूल आने लग गए हैं। अब ये देखो ये बैंगनी पौधे हैं, इस पर जो है फ्लावर छोटे आ गए हैं। ये है तरबूज की बेल, भाई हमने तरबूज खाया और ऐसी जो है मैंने ना बीज जो है इधर जो है लगा दिए थे, और ये देखो ये तरबूज के फ्लावर्स है, मतलब ना इसमें जो है वाटरमेलन लगेगा। ये देखो इतने फूल आ रहे हैं ना येलो, ये पूरी जो है वाटरमेलन की बेल है। अभी कुछ टाइम बाद देखिए जो फ्लावर्स है ना, एक एक जो ये प्लांट दिख रहा है आपको, इन सब में जो है 11-12 फ्लावर्स ऐसे नजर आएंगे आपको। भाई हर प्लांट में जो है अलग अलग जगह जो है 12-12 फ्लावर निकलेंगे। जैसे कि एक फ्लावर निकला ना तो ये यहाँ से अलग अलग जगह से 12 जगह ये फ्लावर निकलता है। दोस्तों इसके फ्लावर ना बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में। एक्सरसाइज का जो है मुझे शुरू से शौक रहा है, मतलब ना मतलब मैं चाहे दिल्ली रहा हूँ चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ, मतलब ना पर डेली कुछ एक्सरसाइज करना, मतलब कभी होता मैं मिस करता हूँ लेकिन मैं एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। पर यहाँ आके क्या हुआ दोस्तों, पर यहाँ पे आके ना मैंने योगा भी स्टार्ट किया है। भाई योगा से आप लिटरली मतलब योगा से सच में ऐसा होता है कि भाई आपके जीवन में थोड़ी शांति आती है, मतलब ना थोड़ा सा मतलब सॉर्टेड आउट सी जिंदगी हो जाती है आपकी ना, आप समझ पाते हो कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो भाई आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा हर कोई जो है भाई योगा जरूर करें घर में, मतलब थोड़ी देर ध्यान जैसे कहते हैं लंबी सांसें लेना है ना। भाई योगा और ध्यान के बारे में इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, बट जितना मैंने भी यूट्यूब से देखा और लोगों से थोड़ा जाना, तो भाई मतलब बैठ के एक मुद्रा में और ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, आराम से सांसें लेना, तो भाई ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है ना आपकी लाइफ में, भाई अब मानिए ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। भाई मैडम ने बना दिया है गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, अब थोड़ा चाय का मजा लिया जाए। भाई सुबह सुबह जो है हमारा त्रिशु ना भाई शांति से सो रहा होता है वो ना, मतलब मस्त हो त्रिशु उठेगा भी ना तो भाई हल्ला नहीं मचाएगा, हम जाएंगे वो खेलता है आराम से अपना। भाई अंकल जी आ रहे थे ऊपर ना, तो हमारे सामने जो पहाड़ी दिखती है ना उसके वहाँ पे अंकल जी का गाँव है, तो भाई अंकल जी के साथ में आ गया सुबह सुबह गाँव, उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैंने चलो मैं भी चलता हूँ ना। और भाई ये देखो दोस्तों, भाई यहाँ से जो है सामने वाली पहाड़ियाँ दिखती हैं, पहाड़ी की चोटियाँ दिखती हैं यहाँ से, और ये देखिए आप ना यहाँ से भाई नीचे को जो है ना, यहाँ से नीचे को जो है हमारा जो है होम स्टे पड़ता है, और मैं सामने बहुत ही बड़ा जो है अखरोट का पेड़ है, मुझे तो अखरोट लगे हुए नज़र आ रहे हैं, पर भाई इसमें जो है अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। और ये देखो भाई इधर चलते हैं थोड़ा सा, अंकल जी भाई किससे बातें कर रहे हैं वहाँ पे, इससे मिलने आए हैं। और ये है भाई छलियाँ, मतलब मक्का, मक्के की खेती हो रखी है भाई, थोड़ा बहुत जो है खाने लायक जो है उगाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोबारा से भाई जापानी फल, आप लोग बोलते होंगे भाई मैं रोज ही जो है फ्रूट्स की वीडियोस डालता रहता हूँ, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली, यहाँ जहाँ भी जाओ ना सबके फ्रूट के जो है मतलब पेड़ हैं, सबके फ्रूट के बगान हैं या सबके घर के आस पास जो है फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई कुछ टाइम में ये जापानी फल भी पक जाएंगे। और ये देखो भाई यहाँ आगे आके यहाँ से ओपन है थोड़ा सा मामला ना, अब यहाँ से देखेंगे तो भाई खुला खुला पूरा जो है नजर आ रहा है। ये देखिए मौसम भाई सुहावना है ही, बादल हो रखे हैं आज, धूप नहीं निकली है। अंकल जी बैठे हैं सामने जो है बात कर रहे हैं अंकल जी। और ये है दोस्तों देखिए नाशपति का पेड़, भाई दोस्तों ये देखिए ना
ये देखो ये है खुमानी के बीज, ये देखो ना इसमें से बादाम होता ना वैसी ग्रीन निकलती है, और इसका बनता है ऑयल, इसका ऑयल बनता है इसकी ग्री का, मतलब ये खाने के काम नहीं आते भाई। दोस्तों भैया बता रहे हैं कि भी जो ये तेल है ना इसका, मतलब इसकी जो ग्री से जो तेल बनता है भाई, वो काम आता है कि कमर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, भाई सारे दर्दों में काम आता है। मतलब देख रहे हो, मतलब यहाँ पे मतलब पहाड़ों पे हर चीज़ का एक देसी इलाज है, मतलब खुद ही चीज़ें ग्रो करना, भाई खाना पीना रहना, मतलब मैंने देखा हिमाचल में लोग इसलिए बहुत खुश रहते हैं, ये भी कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, सब कुछ तो है भाई खेतों से मिल जाता है ना। दोस्तों भाई निकल गए हैं गांव से वापस, अब जा रहे हैं घर की तरफ को। भाई घर आ गए हैं हम वापस, और भाई मैडम कुछ स्पेशल बना रही है आज। भाई क्या बना रहे हो आप आज, ये क्या है? अच्छा धनिया, और ये तोड़ा है मैडम ने अरबी का पत्ता है। दीपू क्या बना रहे तू आज? बस मक्की का आटा पड़ा हुआ है ना, तो उसी की रोटी बना रही हूँ मैं। तो भाई मक्की की आटी रोटी बनाओगे पर अरबी का उसमें पत्ता? ये सब डाल के। अच्छा मतलब मक्की की आटी में अरबी का पत्ता भी डालेगा और फिर रोटी बनेगी? बनने वाली है मक्की की रोटी भाई, इसमें थोड़ा बेसन गिरेगा, अरबी के पत्ते, धनिया, मिर्ची और सब कुछ अपने खेतों का, और आंटी जी ने दी है लस्सी भाई, घर की लस्सी, और भाई आ जाने वाला है मजा। ये देखो भाई हमारा छोटा सा बच्चा उठ गया है, और देखो सुबह सुबह मैंगो खा के कपड़े जो गंदे करके हैं, दिखाना। ओए पिचू क्या खाया आपने? मैंगो खाया है, मैंगो खा के कपड़े गंदे कर लिए बच्चे ने। भाई तहलका है ये हमारा, तहलका पिची। अच्छा मैं पकड़ लूँ। ये भाई मक्के की रोटी है ना, बेसन डाल के, अरबी के पत्ते, धनिया, मिर्ची सब डाल के, जबरदस्त छाछ, और इसमें भी जो है काली मिर्च, जीरा, और भाई लस्सी भी जो रेडी हो गई है, धनिया, जीरा, काली मिर्च डाल के, भाई मजा आने वाला है आज। दोस्तों ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन, थोड़ा भाई योग किया जाता है, थोड़ी एक्सरसाइज की जाती है। आज जो है अंकल जी गांव जा रहे थे, तो थोड़ा जो है वहां का भी भ्रमण हो गया है। तो गाइस मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, प्लीज जो है अपनी जीवन में एक्सरसाइज और थोड़ा सा जो है योगा जो है आप इंक्लूड करिए, जिससे कि आप हेल्दी रहेंगे, आप एक लंबा जीवन और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक हम करते हैं अपना देसी नाश्ता, और कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।